दोस्तों, जब से टीवी सोमनाथन ने बयान दिया है कि ओपीएस लागू नहीं किया जा सकता, ये नामुमकिन है, जब से विजय बंधु ने करारा जवाब देते हुए बोला है कि 110% ओपीएस लागू होगा, जी हाँ दोस्तों, उल्टी गिनती शुरू हो गई है सरकार की। जी हाँ दोस्तों, अगर सरकार पुरानी पेंशन लागू नहीं करती है तो हम उन्हें वोट का चोट देंगे। जी हाँ दोस्तों, वोट फॉर ओपीएस लाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से विजय बंधु ने टीवी सोमनाथन को करारा जवाब दिया। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि विजय बंधु का कहना है कि अंग्रेज जब भारतीय गुलाम थे, अंग्रेज के समय में कुछ भारतीय लोग कहा करते थे कि आज़ादी संभव नहीं है, लेकिन क्या आज़ादी नहीं मिला? आज़ादी के मतवाले ने लड़े और लड़ के आज़ादी लिए। जी हाँ दोस्तों, उसी तरह से अभी जो है ओपीएस के मतवाले लड़ेंगे सरकार से और सरकार को लड़ के ओपीएस लेंगे। जी हाँ दोस्तों, ये कहना है विजय बंधु का। जी हाँ दोस्तों, आपको बताते सूत्र के हवाले से पता चला है कि टीवी सोमनाथन ने जब से बोला है कि ओपीएस फिलहाल संभव नहीं है और इसका असर जो आने वाले पीढ़ी है उस पर पड़ेगा और जो सरकारी कर्मचारी नहीं है उसके ऊपर पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, राजकोषीय घाटा लगेगा। तो इस पर डायरेक्ट विजय बंधु ने बोला है कि आप अगर एनपीएस के हितैषी हैं तो एनपीएस क्यों नहीं ले लेते, आप क्यों ओपीएस में पड़े हुए हैं? जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा माननीय जो सीएम है, पीएम है, एमएलए है, एमपी है, जो हमारे देश के प्रेसिडेंट है, वो सब क्यों नहीं एनपीएस ले लेते अगर एनपीएस ही अच्छा है तो? जी हाँ दोस्तों, कुछ दिन पहले अमित शाह ने भी बोला था कि एनपीएस बहुत अच्छी स्कीम है। तो हम कहना चाहते हैं कि वो अमित शाह क्यों नहीं एनपीएस ले लेते जब इतनी अच्छी है तो? जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें विजेंदर धारीवाल, आपको पता होगा हरियाणा में लगातार संघर्षरत हैं ओपीएस के लिए। जी हाँ दोस्तों, पेंशन बहाली संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं विजेंदर धारीवाल। जी हाँ दोस्तों, अभी कुछ दिन पहले उनका वीडियो वायरल हो गया था। जी हाँ दोस्तों, उन्होंने ओपीएस बहाली को लेकर भगत सिंह चौक पर धरना प्रदर्शन दिया और सरकार को अल्टीमेटम दिया है कि 2 सितंबर तक अगर ओपीएस बहाल को लेकर कुछ नहीं निकला, गजट नहीं निकला, तो हम लोग जाके मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह से पूरे देश में चल रहा है। अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो आया था महाराष्ट्र के पालघर से, जहां दंडवत ओपीएस मोर्चा निकाला गया, यानी रोड पर दंडवत कर रहे हैं कर्मचारी। जी हाँ दोस्तों, उसके पहले जी हाँ दोस्तों, जलगांव से एक वीडियो सामने आया जहां पर डीएम साहब को पत्र दिया गया और 2 किलोमीटर लंबा छतरी पेंशन मोर्चा निकाला गया। छाता लेके बरसात में लोग जा रहे हैं रोड पर 2 किलोमीटर लंबा, महिलाएं, पुरुष, सभी लोग भाग ले रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, सरकारी कर्मचारी जो है ओपीएस मांग करता, आज से नहीं दोस्तों, 2004 से पहले वालों को ओल्ड पेंशन स्कीम दिया जा रहा था, 2004 से बाद सबको एनपीएस दिया जा रहा है। एनपीएस का खमियाजा सामने आ चुका है और इसके चलते सरकारी कर्मचारी काफ़ी नाखुश है, काफ़ी नाराज है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपको पता होगा कि जो एनपीएस में है वो जब रिटायर होते हैं तो 400-500 महीना मिलता है या फिर 1000 या 2000 महीना मिलता है। जी हाँ दोस्तों, इस तरह से एनपीएस जो है बाजार बेस है, जिस समय बाजार चढ़ेगा तो एनपीएस का भी भाव चढ़ेगा, बाजार गिरेगा तो एनपीएस का भी बाजार गिरेगा। आपको पता होगा एनपीएस में कर्मचारियों का 10% कटता है और 14% सरकार जमा करती है, टोटल 24% जमा होता है जो शेयर बाजार में सरकार लगाती है। तो वो शेयर बाजार का जब आप रिटायर होइएगा तो 60% उसका पैसा मिलेगा टोटल लमसम का, और 40% पेंशन के रूप में उससे जो कमीशन आएगा उसका पेंशन आपको दिया जाएगा। वो काफ़ी कम अमाउंट रहता है, जो लंबे समय तक नौकरी करते हैं उनको थोड़ा सा लाभ हो सकता है लास्ट में, लेकिन जिनका टेन्योर बहुत कम होता है उनका तो आप देख रहे होंगे 400-500 रुपये महीना बन रहा है, वो बेचारा किस तरह से अपना ज़िंदगी जी रहे होंगे। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक सुरक्षा के दृष्टिकोण से सबसे खराब है न्यू पेंशन सिस्टम। जी हाँ दोस्तों, एनपीएस तो ओपीएस के लिए सरकार से इसीलिए लोग लड़ रहे हैं, मांग कर रहे हैं, क्योंकि एक राज्य में 2 विधान संभव नहीं है। जी हाँ दोस्तों, एक को आप ओपीएस दे रहे हैं, एक को एनपीएस दे रहे हैं, ये संभव नहीं है। समानता का अधिकार के आधार पर सभी को ओपीएस दीजिए। फिलहाल अभी हरियाणा में चुनाव है। जी हाँ दोस्तों, पूरा हरियाणा वासी जी हाँ दोस्तों एकजुट होकर सरकार के खिलाफ अभी ओपीएस चल रहा है पूरा हरियाणा में, जैसा कि आप देख पा रहे हैं विजेंदर धारीवाल ने पूरे हरियाणा को एकजुट करके रखा है। तो इस तरह से सरकार, अभी चुनाव होगा हरियाणा में, इसके बाद होगा महाराष्ट्र में, दोनों जगह वोट का चोट देने के लिए पूरी सरकारी कर्मचारी तत्पर से तैयार हो गया। जी हाँ दोस्तों, तैयार होने का कारण भी है क्योंकि वो ओपीएस मांगता है, ओपीएस के अलावा उन्हें कुछ नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सरकार को सोचना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, सामाजिक दृष्टिकोण से ओपीएस अच्छा है, बुढ़ापे का लाठी का सहारा है,
जी हाँ दोस्तों, आप जब बूढ़े हो जाओगे तो आपको घर से भी बाहर निकाल दिया जाएगा। उस केस में अगर 400-500 महीना मिलेगा तो आप किस तरह से गुजर बसर करोगे? जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा आपका और आपका फैमिली कैसे चलेगा? जी हाँ दोस्तों, 21 बरस तक आपका बच्चा को तो सरकार दिखा देती है, लेकिन 21 बरस से ऊपर जब बच्चा हो जाएगा तो सरकार भी आपको मेडिकल सुविधा बंद कर देती है। तो इस तरह से बहुत सारे नियम हैं जिसके कारण OPS का डिमांड कर रहे हैं सब लोग। जी हाँ दोस्तों, तो OPS एक सामाजिक सुरक्षा प्रदान करता है सरकारी कर्मचारी को। सरकारी कर्मचारी है तो सरकार है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि सरकार का रेवेन्यू जनरेट करके सरकारी कर्मचारी देता है, और सरकार का जितना भी काम है उसको धरातल पर सरकारी कर्मचारी ही उतारता है। तो सरकारी कर्मचारी को सरकार को सुनना चाहिए, क्योंकि एक दूसरे को रेप्लिका है, और देश चलता है सरकारी कर्मचारी और सरकार के साथ होने से, ना कि दोनों के विपरीत होने से। तो इसलिए सरकारी कर्मचारी को OPS दे दिया जाए। जी हाँ दोस्तों, सरकार से सभी लोग मांग कर रहे हैं और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन होना शुरू हो गया है। तो सरकार के लिए गले की हड्डी बन चुकी है OPS। जी हाँ दोस्तों, सरकार को चाहिए। अभी फिलहाल जो सांसद है वो भी पेंशनमय हो चुका है। संसद में सारे लोग, JP नड्डा नहीं बोल सकते हैं, जो हरियाणा के एक सांसद हैं नड्डा साहब, उन्होंने भी जो OPS का बहाली को लेकर बहुत बड़ा मुद्दा उठाया था संसद में। उसके अलावा धर्मेंद्र यादव ने भी उठाया, उसके अलावा मलिक साहब ने भी उठाया, बहुत लोग हैं जो लगातार उठा रहे हैं। प्रिया सरोज ने भी, रेल मंत्री जो है अश्विनी वैष्णव, से OPS की मांग रखी है। तो इस तरह से पूरे देश लगभग OPS-मय हो चुका है। तो ये लगातार जारी रखिए आप लोग, जिसके कारण सरकार के कानों में आवाज़ जाए, सरकार इस बात को सुने और आपके लिए OPS लागू कर दे। आज नहीं तो कल OPS तो लागू करेगा ही, क्योंकि ये विजय बंधु ने साफ बोल दिया है कि अब OPS का जो आंदोलन है रुकने वाला नहीं है। जब तक OPS लागू नहीं हो जाता, जब तक हम छोड़ने वाले नहीं है। जी हाँ दोस्तों, तो OPS के लिए लगातार संघर्ष जारी रहेगा, ये विजय बंधु का कहना है। इसके अलावा विजेंद्र धारीवाल, जो पेंशन बहाली संघर्ष समिति का अध्यक्ष है, उनका भी यही कहना कि मेरे मुद्दा को तो कोई सुन नहीं रहा। जब तक मेरा मुद्दा का समाधान नहीं हो जाता, जब तक हम लगातार संघर्ष करते रहेंगे, मुख्यमंत्री आवास को घेरेंगे और लेटर देंगे मुख्यमंत्री साहब को। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, और बातचीत के लिए ओपन रखा। विजेंद्र धारीवाल ने बोला कि हम बातचीत के लिए ओपन रखे हमेशा, सरकार चाहे तो कभी भी, या सरकार के कमेटियां चाहे तो कभी भी हमसे बात कर ले, हम बात करने के लिए रेडी हैं। देखिए क्या कुछ कर पाते हैं सरकार इसके ऊपर, क्योंकि OPS एक बहुत बड़ा मुद्दा बन गया पूरे देश में। फिलहाल OPS लागू सरकार को कर देना चाहिए, क्योंकि सरकारी कर्मचारी OPS के अलावा कुछ नहीं मांगता, सिर्फ ओल्ड पेंशन स्कीम मांगता है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा 8 पे कमीशन की बात चल रही थी, 8 पे कमीशन पर भी सरकार बात करने को तैयार नहीं, जबकि महंगाई आप देख रहे होंगे आसमान छू रहा है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा बेरोजगारी आसमान छू रहा है। तो इस तरह से देश का स्थिति थोड़ा सा डगमाडोल हो गया, क्योंकि BJP नहीं चाहती कि 8 पे कमीशन लाएँ, BJP नहीं चाहती कि OPS लाएँ, BJP इस मुद्दे पर बातचीत को करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि अभी जो बजट पेश की थी 23 जुलाई 2024 को निर्मला सीतारामन ने, 7वीं बार लगातार बजट पेश की थी, उसमें एक बार भी OPS का मुद्दा नहीं उठाया, एक बार भी OPS के बारे में नहीं बोली, एक बार भी 8 पे कमीशन के बारे में नहीं बोली, एक बार भी जो 3 बार का DA रुका हुआ था एरियर के बारे में नहीं बोली, एक बार भी सरकारी कर्मचारी के बारे में नहीं बोली, सिर्फ NPS संशोधन की बात बोल रही है। जी हाँ दोस्तों, सरकार चाहती है कि NPS का संशोधन हो, लेकिन सरकारी कर्मचारी कभी नहीं चाहता NPS का संशोधन हो। सरकारी कर्मचारी का एक ही मांग है, एक ही नारा है, ओल्ड पेंशन मिले, ये अधिकार हमारा है। जय हिंद, जय भारत।